ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं बल्लामार विधायक की। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय की जेल जाने के बाद भी अकड़ नहीं गई है। इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोप में जेल से बाहर आने के बाद आकाश विजयवर्गीय को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को पुलिस के सामने घसीटा जा रहा हो तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। अधिकारी जनता खासकर महिलाओं का सम्मान करें और उनकी समस्याओं को सुने। मुझको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। हालांकि अब हम गांधी के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दोबारा बल्लेबाजी का मौका ना दे। मेरा सबसे यही कहना है कि जनता सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है। उनके टैक्स से इन अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, तो अपने बड़े अधिकारियों के आदेश पर इन इस जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह समझना, उनके साथ बदतमीजी करना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, ये सरासर गलत है। अधिकारियों को ये बात जान लेनी चाहिए कि जनता के सेवक हैं वो, और ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहिए। कुल गलत नहीं ठहराते हैं, 100% सही किया। और उस परिस्थिति में जब एक महिला को पुलिस की उपस्थिति में टांग खींच के घसीटा जा रहा था, विकलांग महिला को, और उसका पूरा सामान भरा हुआ घर 10 मिनट बाद तोड़ने के लिए पोकलैन तैयार थी, तब उसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन लगा नहीं। तो मैं अपने किए पर शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हूँ। तो बल्लामार विधायक कहते हैं कि अगली इनिंग के लिए तैयार है, अगले मैच के लिए तैयार है, मौका मत दीजिएगा, जितने भी बाउंसर फेंकेंगे सिक्स मारेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ये अकड़ किस बात की है? क्या ये पिता की अकड़ है कि पिता के रसूख की वजह से विधायक इतना बोले जा रहे हैं?